और सब ठीक रहा है। कितने सेट में हुआ है सर नमन का? दो सेट में किए हैं। दो सेट में सर भीड़ क्या कह रहा था? कहाँ पानी? अब भीड़ क्या कह रही थी आप ना बताइए, हम क्या बताएं। हमारे समर्थक एकदम हमेशा उत्साह से लगे हुए हैं और सब लोग एक्टिव हैं। और थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जाँच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स, तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज आज की है कि आज समाज सेवी रईस खान ने अपना नामांकन प्रक्रिया किया, उसके बाद से नामांकन फॉर्म भर के अपना नामांकन प्रोसेस करते हुए आज उन्होंने अपना नामांकन सफल कराया DM कार्यालय में। आपको पता चले कि कुछ दिन पहले इन्होंने ऐलान किया था कि 14 मार्च को हम नॉमिनेशन करेंगे, और नॉमिनेशन करने के बाद से गांधी मैदान में आम सभा का आयोजन करेंगे और वहां पे आम संबोधित लोगों से बात करेंगे। और आपको पता चले कि सिवान शहर में ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट देखने लायक बन रहा है कि इतने लोग सड़कों पर एक साथ एकत्र हुए हैं रईस खान के संदर्भ में, उनके सपोर्ट में, उनके नॉमिनेशन में इतने जनता का प्यार सपोर्ट मिल रहा है कि देखने लायक है। कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से रईस खान को सपोर्ट भारी मात्रा में लोग का मिल रहा है, इस बार इनका निश्चित तौर पे जीत को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही थी वो साफ तौर से दिखी जा रही है कि इनकी किसी से लड़ाई नहीं है, रास्ता साफ है। जैसे कि इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबसे आगे हैं। आपको पता चले कि सिवान शहर में DM कार्यालय पे आज इनका नामांकन फॉर्म भरा गया और सफल रहा। इस कार्यक्रम में कई ऐसे दिग्गज नेता पहुँचे, समाज सेवी रईस खान, और उनके साथ में लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे संगीता देवी। और बात करेंगे जिस तरह से हॉस्पिटल में आए दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हैं श्रीनिवास जी, वो भी साये की तरह दिखे जा रहे हैं। श्रीनिवास लगातार क्षेत्र का दौरा करते हुए आज भी उनका एक्टिव मूवमेंट रहा इस समाज में। और आप देखने लायक, आपको पता ही होगा कि जिस तरह से सिवान में रईस खान को लेकर एक युवाओं में जोश एनर्जी भरा हुआ है, युवा अपने दिलों पे रख रहे हैं, बूढ़े लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है, खासकर महिलाओं का भी भीड़ यहाँ पे देखा गया, महिलाएं भी। और एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है जिसमें कि जिस देख सकते हैं कि लोगों को एक एंजॉयमेंट के लिए लोगों को आगे बढ़ाने के एवज में रईस खान ने काफ़ी अपना बयान दिया, और जिस तरह से लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं और हर युवा हर लोग इनको सपोर्ट में उतरे हुए हैं। देख सकते हैं कि इतनी काफिला, इतने मतलब लोगों का समर्थन, जन सैलाब, यानी कहा जाए कि एक तरीके से ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट सिवान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो अब ये कहना होगा कि जिस तरह से जिन्होंने चुनावी पर्चा भरा है और अपना चुनावी पर्चा भरते हुए लोगों के बीच आ रहे हैं, साफ तौर पर देखी जा रही है कि इनका रास्ता क्लियर दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के पश्चात किस तरह से जनता का कार्य को लेकर चलेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ नमस्कार, मैं मंजीत, आगे का रिपोर्ट देख रही है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया के बिहाफ से, धन्यवाद। और सब ठीक रहा है,
कितने सेट में हुआ है सर नमनकर? दो सेट में किया है। दो सेट में सर भीड़ क्या कह रहा था? कहाँ माने भीड़ क्या कह रही थी? आप ना बताइए, हम क्या बताएं? हमारे समर्थक एकदम हमेशा उत्साह से लगे हुए हैं और सब लोग एक्टिव हैं और चुनाव हम लोग रिकॉर्ड एनडीए ने सर अपना प्रत्याशी लेट दिया, लेकिन एनडीए के कई नेता आपके साथ दिखे, अन्य भी दल के नेता आपके साथ दिख रहे हैं, क्या देखिए हमारे साथ सभी दल के लोग हैं। और मैं पहले भी आप मीडिया के द्वारा बता चुका हूँ कि ये हमारे जो चुनाव है सब दलीय है और ये जितने भी हमारे जीते हुए हैं इसलिए निर्दलीय के साथ हैं। लेकिन आज आपको वीआईपी से समर्थन मिला हुआ है? जी, वीआईपी अपना समर्थन हमको दी है और सारे लोगों का समर्थन है। हमारे जितने भी आपके दल के माने के जितने भी लोग हैं, पार्टी हैं, ये यहाँ पर सारे पार्टियों का कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट में सपोर्ट है। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। मुकेश सहनी आएंगे कंपेनिंग के लिए? मुकेश सहनी साहब अपना वो अपना लेटर पैड पर अपना ऐसी जारी कर दिए हैं कि हम दो आदमी के लिए एक मोतिहारी। पार्टी तो एनडीए का घटक दल है बिहार में। अब तो ये सवाल आप मुकेश सहनी जी से पूछिएगा ना, ये सब चीज़ हम थोड़े बता देंगे। उनको अच्छा लगा कि हमें निर्दलीय का सपोर्ट करना चाहिए, रईस को सपोर्ट करना चाहिए, देश को सपोर्ट किया। क्या आपने उनसे सपोर्ट के लिए आग्रह किया था कि उन्होंने खुद किया है? उन्होंने भाई हम खुद किए थे जी। क्या वो कैंपेनिंग में दिखेंगे? उनके लोग होंगे। जब सुप्रीमो जो पार्टी का जो सुप्रीमो दिशा निर्देश देता है तो कार्यकर्ता उस पर एक्टिव होते हैं और वो अपना काम करते हैं। जेडीयू अभी तक अपना पत्ता नहीं खोल पा रही, हालांकि एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन आज जिस तरीके से आपके समर्थन के लिए सभी पार्टियों के लोग आए हुए थे, इसको किस नज़र में देखते हैं आप? बोले रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको हम बता ही चुके हैं कि ये सब दलीय पार्टी हमारा निर्दलीय में सारे दल के लोग समर्थन में जुटे हुए हैं, हर जगह अपना कैंपेन कर रहे हैं और हमारे लिए वोट मांग रहे हैं और मैं रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। हजारों की संख्या में लोग समर्थन करने पहुंचे थे, क्या कहेंगे उन लोगों को? सब भाइयों को दिल से मुबारकबाद हमारे तरफ से जो हमारे नॉमिनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अपने समर्थकों को। विगत दिन आपके साथ लगातार शाम बहादुर सिंह जी देखे जा रहे थे, लेकिन जब से एनडीए के कैंडिडेट हैं तो शाम बहादुर सिंह आपके साथ गए? भैया तो साथ ही थे, कहाँ थे यार, जाके अभी हम निकम देखे जी के। असल बात बटे कि इतना लंबा चौराई लश्कर रहा है ना कि हम सिवान रहने तो ग्यासेपुर में बहुत गाड़ी लगा रहे जाम में, सर बीच में फंस गए थे। श्याम बहादुर जी ने मदद किया है, क्या लग रहा है पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर सकती है? देखिए ये तो हमारा भाई बहन का रिश्ता है और वो बहन भाई के लिए एक्टिव है और वो पार्टी से डर हो गया।